हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। तो आज है फ्राइडे मॉर्निंग और बीटा अपडेट जो है MIUI 10 का 8.11.15 इसका जो है चेंज लॉग प्रीव्यू ओवरव्यू जो बोलो, चेंज लॉग आधा अधूरा चेंज लॉग जो है आ चुका है। यहां पे तीन मेजर चीज होने वाली है इस अपडेट में। इसके अलावा मेरे पास Redmi Note 5 Pro के लिए अपडेट का लिंक भी आ गया है जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, bigota.d.miui.com/8115miui HM Note 5 H M Note 5 Pro Global_811.15। यहाँ पे देखेंगे आप जिप फाइल पे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि चेंज लॉक की क्या कुछ हमें मिलता है। तो देखो, वैसे साइट पर सब कुछ तो अपडेट नहीं किया गया है, बट सबसे अच्छी चीज ये है कि Redmi 5 के अंदर जो इन्होंने बग दिया था लास्ट अपडेट में, 10 में जो बीटा अपडेट आया था Redmi 5 में, जिसमें के मेजर अपडेट मिल गया था, यानी कि उन लोगों का जो OS वर्जन है वो अपग्रेड किया गया था। तो वो करने के बाद जो है Redmi 5 का कैमरा काम नहीं कर रहा था। मैंने वीडियो बना के बोला भी था कि Redmi 5 यूजर भाई लोग मत करना वरना कैमरा खराब हो जाएगा, बट जिन लोगों ने देखा उन्होंने नहीं किया और जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने कर लिया, तो खराब हो गया। ठीक है, तो अब जो है वो चीज फिक्स हो जाएगा इस अपडेट में। तो फाइनली यार, मतलब आप लोगों ने एक हफ्ते वेट किया है, हालांकि आज फ्राइडे है, आज उम्मीद कम है कि लिंक सारी की सारी आपको OTA में मिल जाएगी। लिंक आपको कल तक मिलेगी, आज मिलने के चांसेस नहीं है, बट क्योंकि मेरे पास डाउनलोड लिंक थी Redmi Note 5 Pro की, इसलिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। बाकी दूसरे फिक्सेस की बात करें तो कांट फाइंड सिक्योरिटी ऐप इन सेटिंग्स, ये वाला बग पहले भी था, इसको पहले अपडेट में भी फिक्स किया गया था, बट लगता है सारे डिवाइसेस के लिए नहीं हुआ, अब हो गया है। तो देखते हैं कि क्या होता है। और तीसरा जो मेजर है वो है कंट्रोल म्यूजिक ऑन लॉक स्क्रीन पोकोफोन। तो पोकोफोन F1 के अंदर जो है कांट कंट्रोल म्यूजिक हो रहा था ऑन लॉक स्क्रीन, यानी कि लॉक स्क्रीन इसे बोलते हैं। देखो लॉक, रुक जाओ भाई, लॉक हो जाओ। हाँ, तो ये है लॉक स्क्रीन। तो यहाँ पे जो म्यूजिक प्लेयर का आइकन आता है वो जो है काम सही से नहीं कर रहा था कंट्रोल म्यूजिक आगे पीछे करने में, ऐसा पोको फोन में हो रहा था, तो उस चीज को जो है फिक्स कर दिया गया। बाकी कैमरा Redmi 5 का जो है खराब हो गया था, वो ओपन ही नहीं होता था, कांट ओपन कैमरा हो रहा था, कैमरा ओपन नहीं हो रहा था, जिस वजह से व्हाट्सएप, फेसबुक, मतलब कोई भी सोशल मीडिया वाले, वीडियो कॉल वाले एप्स या पिक्चर खींचने वाले एप्स, किसी में भी फोटो जो है आप नहीं कैप्चर कर पा रहे थे, ये उसका बग था, मेजर बग था। अब सवाल यह है कि नया अपडेट इंस्टॉल कैसे करें। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ सेटिंग में जाना है, सिस्टम अपडेट में जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, चूज अपडेट पैकेज पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहां से अपना पैकेज चूज करके ओके ओके करके उसको जो है इंस्टॉल कर लेना है। मान के चलिए कि अगर आप कोई नए यूजर हैं और आप चाहते हैं स्टेबल से बीटा में जाने के लिए, तो फिर आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, अबाउट फोन में जाना है, सिस्टम अपडेट में जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, चूज अपडेट पैकेज के थ्रू फुल रॉम फाइल डाउनलोड करनी होगी, फुल रॉम फाइल पहले डाउनलोड करनी होगी और चूज अपडेट पैकेज के थ्रू उसको चुनना होगा और वो आपका जो है इंस्टॉल हो जाएगा। लेटेस्ट जो है अभी वो अभी फिलहाल आज के डेट में यहाँ पर आ चुका है 8.11.15। ये तारीख पर बेस्ड होता है, देखो थर्सडे जो था थर्सडे के ऊपर बेस्ड था, यानी 15 नवंबर 2018, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो इस तरह जो है आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये अपडेट अच्छा रहेगा कि नहीं, तो भाई अभी नहीं पता कि ये कैसा रहेगा। आप अगर मान लो कि आप बीटा यूजर हो तो आपको कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा, अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से Note 5 Pro को अपडेट करते हो कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा और आगे के भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आप स्टेबल यूजर हो और बीटा में आना चाहते हो तो आपका डेटा जो है लॉस होगा, ऐसे में आप अपने फोन को 30-40% चार्ज रख लेंगे इंस्टॉल करने से पहले। साथ ही साथ जो है अपने फोन के अंदर अगर कोई भी मी अकाउंट वगैरह लॉग इन किया हुआ है तो उसका पासवर्ड याद रखना, अगर आप स्टेबल से बीटा पे जा रहे हो या बीटा से स्टेबल पे जा रहे हो। ठीक है, तो अभी तकरीबन लगभग सारे डिवाइसेस के लिए MIUI 10 स्टेबल आ चुका है। अभी देखो बचा हुआ कौन कौन है, Y1 Lite, Redmi 4A, ये 4 डिवाइस बचा हुआ है जिनको इस मंथ में इंशाल्लाह मिल जाएगा अपडेट। उसके बाद बचेंगे Redmi 3S Prime, Redmi Note 3, Redmi 3S, Redmi 3 Plus, ये 4 डिवाइस बचेंगे, इनको जो है नवंबर में पूरा कर दिया जाएगा। तो देखते देखते सबको अपडेट जो है मिल जाएगा, नवंबर नहीं दिसंबर में पूरा कर दिया जाएगा, देखते देखते सबको अपडेट मिल जाएगा। अब बस रेडी रहो और बाकी सारी जिनके भी अपडेट्स आ चुके हैं उनकी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाइए ताकि आप देख सके इसी तरह वीडियोस हमेशा सबसे पहले। और क्या,
लाइक कर देना, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब की वीडियो नोटिफिकेशन हमेशा नहीं जाती है, तो नोटिफिकेशन मैं व्हाट्सएप से भी भेज दिया करता हूँ, तो वहां से भी आपको जो है मिल जाया करेगी।